नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहर। आखिरकार ब्रिटेन को अपना नया प्रधानमंत्री मिल गया। आपको बता दें कि लिज ट्रस के रूप में ब्रिटेन को अपना नया प्रधानमंत्री मिला है और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि उनके नाम की भी चर्चा खूब चल रही थी। आखिरकार लिज ट्रस ने जीत हासिल की है और अब वो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। आपको बता दें कि लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच में बहुत होड़ मची हुई थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। आखिरकार लिज ट्रस ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की है और ऋषि सुनक और लिज ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी के करीब 1,60,000 सदस्यों को प्रभावित करने के लिए कई बार आमने सामने बहस की। भारतीय मूल के सुनक को लिज ट्रस ने कड़ी टक्कर दी और एक वक्त तो ऐसा था कि सुनक जीतते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि एक फैसला ऐसा रहा लिज ट्रस का जिसने उन्हें वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो ऊर्जा में हो रही बढ़ोतरी और उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही उस पर जरूर लगाम लगाएंगे और इसे ही टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है उनकी जीत का। और फिलहाल अब वो प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से नए पीएम के लिए करीब 2 महीने से चल रही कवाद आज खत्म हो गई। ब्रिटेन को आज अपना नया प्रधानमंत्री लिज ट्रस के रूप में मिल गया। इस पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच टक्कर चल रही थी और आज अब लिज ट्रस के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन के स्थान पर कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ की विजेता की घोषणा आज शाम अभी हुई और इसमें लिज ट्रस की जीत हुई है। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक की बगावत के बाद ही बोरिस जॉनसन सरकार अस्थिर हुई थी और उन्होंने जिस तरीके से अपनी सरकार में 2 ऐसे नेताओं को प्रमोशन दिया था जिन पर आरोप लगे थे, एक के ऊपर यौन शोषण का आरोप था, उसके बाद से ऋषि सुनक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और उनके पीछे तमाम नेताओं और मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद बोरिस जॉनसन सरकार चली गई थी। हालांकि अभी तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और अब वो इस्तीफा दे देंगे क्योंकि अब लिज ट्रस ये जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं आपको बता दें कि लिज ट्रस जो कि नई प्रधानमंत्री बनी है वो अब 7 सितंबर को सामने होंगी बातचीत करने के लिए और उसी दिन वो अपने कैबिनेट का विस्तार भी करेंगे। इसके अलावा बोरिस जॉनसन आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के इस्तीफा देने के साथ ही महारानी से भी मिलने जाएंगे और ऋषि सुनक जो थे अब वो क्या कुछ करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत उम्मीद जताई जा रही थी और भारतीयों का सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा था लेकिन उन्हें हार मिली है। आपको बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी में इस मतदान के बाद लंदन में सोमवार की दोपहर को भारत में अभी रात में करीब जब विजेता का ऐलान हुआ तो इसके बाद अब वहां पर नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने पद को औपचारिक तौर पर अब छोड़ देंगे और वो ब्रिटेन की महारानी से आखिरी मुलाकात करने के बाद ही फिर से वो अपने काम में लग जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से लिज ट्रस ने जीत दर्ज की है वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऋषि सुनक लगातार आगे चल रहे थे और बार बार यही कहा जा रहा था कि भारतीय मूल के जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा होता तो बड़ा इतिहास रचा जाता लेकिन लिज ट्रस ब्रिटेन की नई पीएम बन चुकी हैं और इसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। फिलहाल लिज ट्रस ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है ये भी आप सुन लीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। क्या लिज ट्रस एक बेहतर विकल्प के तौर पर ब्रिटेन को आगे बढ़ा पाएंगी या नहीं? And my friends, we need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. And I will deliver on the National Health Service. But we all will deliver for our country. And I will make sure that we use all the fantastic talents of the Conservative Party, our brilliant members of Parliament and peers, our fantastic councillors, our MSs, our MSPs, all of our councillors and activists and members right across our country. Because my friends, I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver.
And we will deliver a great victory for the Conservative Party in 2024. Thank you.